हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ये हमारा प्लेन कपड़ा था और इस पर मैंने लेस से डिज़ाइन किया था। तो फ्रेंड्स, गले वाली जगह पे भी मैंने डिज़ाइन किया था लेस से। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मोटा वाला पेस्टिंग बुकरम, ठीक है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और लंबाई ली है 9 इंच। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो रफ़ साइड है इसको अंदर की तरफ रख के इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद इस पर हमें लेना है ब्रॉड गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई जब हम नॉर्मल गला बना रहे हैं तो इसकी जो ब्रॉड हम लेंगे वो लेंगे 3 इंच, और तिरछे में इसकी हम लेंगे डीपनेस, गले की डीपनेस यानी कि लंबाई। इस तरह से स्केल को तिरछा रखेंगे, और अगर 7 इंच आपकी डीपनेस है तो आप 7.5 लेंगे। तो ये मैंने 7.5 यहाँ पे ले लिया है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे, दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें जो भी आपको शेप बनानी है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लीफ शेप बना रही हूँ, आप कोई भी गोल शेप भी बना सकते हो। ये हमने बना लिए लीफ शेप। अब यहाँ भी हमने गैप थोड़ा सा देके शेप बनानी है। ये हम शेप जो बनाएंगे 1 इंच की दूरी पे बनाएंगे, जो अंदर वाली शेप है उससे 1 इंच की दूरी पे। तो ये मैं ऐसे, ये शेप आप कैसी भी बना सकते हो, मेन आपकी ये वाली शेप होती है अंदर वाली, ठीक है। तो अब हम इस शेप पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाली शेप को कट करेंगे। अब अंदर वाली शेप को कट करेंगे। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये अब बन गई हमारी शेप। अब हम इसको क्या करेंगे, एक कपड़े पे सेट करेंगे यानी कि पेस्ट करेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा कुर्ती के साइड से ही बचा था, तो इसी पे मैंने पेस्ट करना है। कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है और जो प्लेन वाली साइड है बुकरम की उसको इस तरह से नीचे करके रखेंगे, उसी साइड से हम इसको पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ब्रॉड चेक कर लेते हैं। ब्रॉड हमारा 6 होना चाहिए गले का, तो यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे 6 पे। ये 1 पे हमने मार्क कर दिया और ये 6 पे। तो ब्रॉड 6 क्यों ही होना चाहिए, क्योंकि हमने जब कटिंग की थी तो ब्रॉड हमने 3 लिया था, और 3 का जो डबल करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है हमने। अब फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मैं शेप निशान बना लेती हूँ। अब इसको कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा हमने रखा है इसको हम बुकरम के ऊपर से फोल्ड करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद अब हम इसे कुर्ती पे सेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे सेंटर कट लगा लेते हैं इसको डबल करके। ये हमने लगा लिया सेंटर कट। अब हम इसे कुर्ती पे सेट करेंगे। तो कुर्ती हमने इस तरह से सीधी बिछानी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटर में कट लगाया हुआ है। तो दोनों कट्स को मिला के रखेंगे, और नीचे से भी जो इसका पॉइंट है
गले का, वो भी एकदम मिला के रखना है। फिर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बीच में। तो बिल्कुल बुकरम तक हमें सिलाई नहीं लेके जानी, तो थोड़ा सा ऊपर तक निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम शेप पे सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारी शेप बनी है उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि अगर बुकरम के ऊपर आपने सिलाई लगा दी तो उससे हमारी जो शेप है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगी। अगर आप थोड़ी बहुत आपकी बुकरम पे सिलाई चली जाती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी कि हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनसे वो मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। अब फ्रेंड्स सिलाई करने के बाद हमें बीच का कपड़ा कट कर लेना है, तो यहाँ पे हमें आधा इंच कपड़ा रखना है, बाकी बीच का कपड़ा हमें कट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने कपड़ा बचाया है इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे एक एक इंच की दूरी पर। बस यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है वो कटनी नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कट्स लगाने के बाद फ्रेंड्स अब ये गला आप देखेंगे आसानी से पीछे की तरफ पलट जाएगा, लेकिन गला पलटने से पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हमने गला बनाया है, बैक पार्ट का गला हमने पहले से ही बनाया हुआ है, ये हमने सीधा रखा है। अब इसके ऊपर हमारा जो ये वाला बैक वाला गला है इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से। अब इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो शोल्डर जॉइंट करने का क्या तरीका है देख लीजिए। ये जो गला है इसको इस तरह से पलटेंगे, दोनों साइड का गला पलटेंगे और इनको दोनों को मिला के रखेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लगानी है सीधी सिलाई, तो हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे जॉइंट करने के बाद हम दूसरी साइड वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे। इसे भी हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोनों शोल्डर जॉइंट हो करने के बाद हम इसे पलट के देखते हैं। ये देखिए दोनों साइड के गले हमारे बन गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जो शेप है हमारी उसको पलट लेंगे, तो पलटने का भी एक तरीका है। ये देखिए ये जो हमारा मार्जिन है शोल्डर का इसको हम दोनों तरफ इस तरह से फैला के यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे तो उससे हमारे गले में और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये गले को पलटते जाएंगे और यहाँ से हमें कपड़ा थोड़ा सा खींच के रखना है, एक हाथ से हल्का सा खींच के रखना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी और वहीं से हम सिलाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों गले हमारे बन चुके हैं और आप ये देखिए फिनिशिंग इसमें कितनी अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स अंदर वाले जो हमारी शेप है उस पर हम बुकरम है उस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपका अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।